Good morning. Good morning, third class. How are you, beta? I am fine. आप कैसे हैं? हमने exercise 3.6 कर ली थी. Problems हम थे. आपको clear हो गए होंगे. आज है हमारी exercise 3.7. आज है हमारी exercise 3.7. इसे हम क्या कहते हैं? MCQ multiple choice question. आपने जो क्वेश्चन है उस पर ऐसे ही टिक नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7, जिसे एमसीक्यू का नाम दिया गया है. थर्ड मैथ्स का पीरियड है आपका एक्सरसाइज 3.7. क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. हेडिंग है आपकी टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन है आपका 3000 में प्लस करना है 2000, तो कितना आ जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 3000 में 2000 प्लस करना है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लस करके फिर चेक करेंगे. 3000 था, इसमें 2000 प्लस करना है, तो बताइए कितना आ गया. 2 मिनट से आपके पास करिए इसको प्लस, देन आप टिक लगाएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. सब बच्चे ध्यान से लिखें. Thank you.
0 0 0 0 2 5. तो कहाँ है आपका ये? दिस इज योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखे. सेकेंड क्वेश्चन इज द करेक्ट सम इज, a part है 3 4 0 5, b है आपका 3 4 0 0, c है आपका 3 4 1 5, and d part है आपका 2 4 1 5. ओके स्टूडेंट, करिए इसको 2 4 0 5 और 1000 को प्लस करके बताना है. देखो बेटा, करेक्ट सम इज, आपने इसको प्लस करना है, फिर आपने ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आपने प्लस करके बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है. 2 मिनट्स है आपके पास बेटा,
सब बच्चों ने लिख लिया बेटा, राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, करिए इसको प्लस। फाइव का फाइव, जीरो, फोर का फोर, टू वन थ्री, थ्री फोर जीरो फाइव, दिस इज योर आंसर। तो अब यहाँ पर टिक करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन है टू। सब बच्चे ध्यान से लिखे, राइट केयरफुली। तो आपने इस प्रकार आंसर्स लिखने हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर इज, द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर इज। जीरो बी एट, वन सेवन, करिए इसको प्लस। फोर टू डैश नाइन, वन फोर टू थ्री, टू सिक्स फोर टू। अब हमने इसको प्लस करके देखना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन का फोर कैरी वन, फोर फाइव सिक्स, सॉरी इसको प्लस पे है आंसर में, एट थ्री फाइव फोर। तो आंसर भी है बेटा इसमें एट थ्री फाइव फोर। नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन का फोर कैरी वन, फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सेवन में हम क्या कर प्लस करेंगे, यहाँ फाइव आ जाए फिफ्टीन आ जाए एट, कौन सा प्लस करेंगे एट, एट करिए। फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एट फिफ्टीन का फाइव कैरी वन, फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स थर्टीन का थ्री कैरी वन, फोर वन फाइव सिक्स सेवन एट एट, आंसर इस पर आ गया एट। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से उतार रहे हैं, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।
बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सब बच्चों क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इज रमेश ड्राइव्स 1000 किलोमीटर ऑन मंडे। Thank you.
पर ये 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1, कुछ भी नहीं है तो 1 का 1, 9 का 9, 1 और 1 2, 2 9 1 2, यस ये रहा आपका 2 9 1 2, दिस इज आवर आंसर। सब अच्छे ध्यान से लिखे, राइट केयरफुली बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऐड ध्यान से करना चाहिए हमें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, करेक्ट सम ऑफ द नंबर घर पर बैठकर अपनी प्रैक्टिस करें।